आपने ओसिया से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में फॉर्म भरा था, अब आप भाजपा की मीटिंग में दिख रहे हो, क्या आपने भाजपा को समर्थन दे दिया है? मैंने भाजपा को समर्थन दे दिया है ठीक है, हम तो पहले से ही भाजपा में ही थे, शुरू से ही 50 साल में निस्वार्थ सेवा की, कोई कांग्रेस है तो हमें कांग्रेस है तो हमें बड़ी मतलब एलर्जी है शुरू से ही, ठीक है ना, कांग्रेस का तो हमें नाम ही नहीं सुना है, मतलब बचपन से जब 8 साल का था ना जब से ही मुझे कांग्रेस से नफर थे, ठीक है ना, वैसे मैंने निस्वार्थ सेवा की है, मुझे वो कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं बीजेपी का तो मोदी जी का भगत हुई और मैंने मेरे सिस्टम से कैसे भरा क्यों भरा निर्दलीय फार्म, लेकिन अभी मैं बीजेपी के साथ में हूँ, मोदी जी के साथ। तो आपने एक हमने एक वीडियो भी सुना था जिसमें कहा था कि मैं हेलीकॉप्टर से गांव गांव जाकर प्रचार करूंगा, खड़ा रहता तो जरूर हेलीकॉप्टर से जाकर प्रचार करता, नहीं तो अभी हेलीकॉप्टर लेके सुना के बाद घूमूंगा, लेकिन घूमूंगा जरूर, हेलीकॉप्टर तो मैं लेके ही घूमूंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मेरी जिंदगी मेरी अलग लाइफ है, लेकिन मैं अब सपोर्ट जो कर रहा हूँ बीजेपी को कर रहा हूँ, हेलीकॉप्टर मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, हेलीकॉप्टर लेके तो ये अभी सावे चल रहे हैं राजस्थान गुजरात में, हेलीकॉप्टर मिल नहीं रहा है, हेलीकॉप्टर 25 तारीख के बाद में 3 तारीख से पहले एक बार जनता के बीच में कभी भी मेरा मूड हुआ तो मैं हेलीकॉप्टर लेकर जरूर घूमूंगा, मगर मेरे कोई हेलीकॉप्टर बड़ी बात नहीं मेरे लिए। तो आपका जो वोट बैंक था वो अब आपके भाजपा के साथ आने के साथ क्या वो वोट बैंक भी भाजपा में, वो सब तयशुदा बात, मैं मेरी जबान पे कायम हूँ, खड़ा हूँ, मैं पलटी खाने वाला नहीं हूँ आदमी हूँ, शुरू में आपने मेरे वीडियो सुना, मैंने साथ दे दिया मतलब मैं पीछे से वार नहीं करूंगा, साथ दे दिया मतलब दे दिया और तन मन धन से दे दिया, अब जितने भी मेरे वोटर है जो भी है मुझे सपोर्ट करने वाले भी उनसे भी निवेदन है कि भाई बीजेपी को वोट दे। क्या लगता है आपको ओसिया के चुनावी समीकरण क्या रहेंगे? तो फाइनल हो गई, मैं कह रहा हूँ आपको चैलेंज करता हूँ विशाल सिंह कि ओसिया की सीट आज फतेह हो गई है, मेरे से लिखवा के ले लो चाहे आप, कोई हराने वाला नहीं है ओसिया से, ये जीतते हैं भैराराम जी, सामने कांग्रेस से दिव्या मदेना, कोई हो दिव्या मदेना हो चाहे अशोक जी हो चाहे राहुल गांधी खुद हो प्रियंका हो, ओसिया की सीट हमारे जेब में है और हम बीजेपी के साथ है, जनता साथ है पूरी, मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, मेरी भावना है, मैं 10 दिन चक्कर काटे मैंने सर्कल में, लोगों की सोच है ये, कुछ उल्टा सीधा जो भी ऐसा कुछ नहीं है, जो भी भगवान ने किया है अच्छा किया है, मतलब भंगवा की जीत हुई है और मैं भंगवा के साथ में हूँ। अच्छा दिव्या मदेना हर जगह भाषणों में कहती है कि मैं दबंगई से जीतूंगी कड़कई से जीतूंगी, ये कड़कई दिख जाएगी आपको 3 तारीख को, कड़कई कड़का शेरनी माँ शेरनी, मेरा खुद का तजुर्बा है और मैं निर्दलीय चुनाव लड़ता वो अलग बात थी, देखो मामला कोई ये चोरी नहीं है, जनता की भावना यहाँ मैं मुझे कहना भी नहीं चाहिए, मेरे साथ भी लोग बहुत जुड़ने वाले थे, लेकिन अब मैं उनको सबको कह रहा हूँ भाई जो मेरे साथ जुड़े हैं ना वो सब बीजेपी को वोट देंगे। अच्छा एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, ओसिया में दिव्या मदेना ने कितना क्या विकास करवाया था? 1% का ही नहीं करवा के, कहीं अपने हित में किसी भी विशेष तौर से, जैसे आपके घर के साथ में क्या करना है, अपनी मैन रिश्तेदारी है कुछ भी है, मैन जिनके कार्यकर्ता थे उनका काम 2% हुआ वो भी सरकार की तरफ से, दिव्या ने कुछ रोडे देख लो, बिजली देख लो, पानी देख लो, कोई सुविधा नहीं है, ये सुविधा है एमएलए ये सुविधा करता है, तब क्या बताएं आपको, किसी के भी खिलाफत मतलब हकीकत में विकास कुछ भी नहीं हुआ, विकास हुआ मोदी जी का, राजस्थान में किसी भी सरकार रही है जो विकास देश के लिए किया ना, मैं मोदी जी के पीछे ही आया हूँ, किसी के मैं बीजेपी का पहले भी कार्यकर्ता था, 6 साल का था जब से मैं बीजेपी, जब बीजेपी का इंडिया में कहीं राज नहीं था ना, जब भी हम बीजेपी में थे कुछ कारणों से मैंने मेरा अलग सिस्टम बना लिया, लेकिन आज मैं बीजेपी के साथ था, कल भी साथ हूँ, परसों भी साथ हूँ। अच्छा एक और आवाज चल रही है कि दिव्या मदेना जो भी काम करवाती है वो उससे पहले जो उनके बीच में एक बिचौलिया होता है, बिचौलिया के बिना वो दिव्या मदेना जनता का काम नहीं करवाती हुई कि मुझे बिचौलियों से नफरत है, मैं सीधा बोलता हूँ, जैसे मैं यहाँ आया हूँ मुझे किसी ने बीच में कह दिया कि मैं यहाँ हूँ मैं करता डरता हूँ, मुझे बिचौलियों से ही नफरत है इसलिए मैं निर्दलीय खड़ा हुआ। अच्छा बस बाकी मेरा टारगेट ये है, मैं मुझे क्या देखो मैं किसान के लिए हेलीकॉप्टर की मैं खुद लेके घूमूंगा, मैं भी समझता हूँ आपके बच्चे भी हेलीकॉप्टर लेके घूमे, विकास हो इस देश का विकास होगा ना तो उसका अपना आप हो जाएगा, तो इस बार पूरे देश का होगा वो मोदी जी करवाएंगे, मुझे भरोसा है वो आदमी करवाएंगे। इस बार क्या लीड लेके बहराम जीतेंगे? मोदी जी बहराम क्या लीड से जीतेंगे? मतलब उम्मीद कितने वोटे कितने वोटों से? 15-20 हजार। अच्छा 15-20 हजार वोटों से बहराम जीतने की उम्मीद है? हारेंगे नहीं ये तय, हार का तो कोई चांस ही नहीं, अब ये तो आप लिख लो जीतेंगे पक्का। एक बार खुला बोला था बीजेपी कांग्रेस से मुझे कोई लेना देना नहीं, आज भी मैं मोदी जी के कारण आया हूँ, मुझे बीजेपी से ये नहीं मुझे ये करना, मैं तो आपके लिए सोचता हूँ जनता के लिए कि भाई आप जा आप बबुल का पेड़ खड़ा है वह आम का पेड़ खड़ा रहे, मुझे मेरा एक सिद्धांत है पानी होना चाहिए, पानी मतलब नहर, मेरा ये सपना
नहरिया आएगी तो मैं यहाँ रहूंगा, नहीं तो मैं यहाँ भी नहीं रहूंगा, मैं राजस्थान छोड़ दूंगा। अच्छा एक आपने वो पहले बाइट में कहा था भाषण में कि जो ये सरकार फ्री में देती, जो कांग्रेस वाली है मोबाइल वगैरह, कोई नहीं देती, ये सब फ्री में क्या देती, ये मोबाइल वगैरह ये वितरण, ये कोई फ्री में, इनका बाप का थोड़े लगता है, पैसे अपने ही है। मैंने पहले ही बोला था चड्डी बनियान भी खरीदते टैक्स लगता है, वही पैसे है, तेरा तेरे को अर्प तुझको अर्पण मेरा क्या लागे, श्री कृष्ण ने कहा है ना भागवत गीता में, वो सत्य बात है। मैं श्री कृष्ण का आराधी हूँ, उसकी पूजा करता हूँ, उसके सिस्टम से ही चलता हूँ, मुझे पैसों की पावर की आज भी कोई भूख नहीं है, सीधा बोलता हूँ। मैंने मोदी जी के पास में बीजेपी ज्वाइन की है और मैं ऐसे आदमी के सपोर्ट में हूँ कि बस पूरा देश का विकास हो, पूरे वर्ल्ड में आज मोदी जी का नाम। अगर बहराम जीत गए तो उसके बाद में आप हेलीकॉप्टर से दौरा करोगे बहराम के साथ में? अकेले करूंगा, पहले भी करूंगा, 3 तारीख से पहले।